दोस्तों, हम प्रकृति को बचाने के नाम पर क्या करते हैं? पर्यावरण दिवस, जल दिवस, पृथ्वी दिवस और स्वच्छता दिवस मना लेते हैं। इन खास दिनों पर एकाध पौधों को हाथ लगाकर फोटो भी खिंचवा लेते हैं और सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं। अगर लाइक्स आ गए तो अगली पोस्ट में कुछ भाषण भी डाल देते हैं। देखा जाए तो पर्यावरण के लिए फिलहाल इतनी ही मुस्तैदी देखी जा रही है, लेकिन इन सबके बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी चुपचाप देश को हरा भरा कर रहे हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर लाइक्स की चिंता नहीं है, वे बस इंसान होने का फर्ज अदा कर रहे हैं। तो चलिए, इस वीडियो में आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिन्होंने चुपचाप अकेले जंगल खड़े कर दिए। आज उन्हें पूरी दुनिया जानती है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, ये कहानी है असम के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जाधव पायेंग का, जिन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये वो शख्स हैं जिसने अपने जीवन में इतने पेड़ लगाए हैं जितनी हमारी टोटल पोस्ट पर लाइक्स नहीं आए होंगे। आज हम इनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फॉरेस्ट मैन को नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिको सरकार ने अपने पास बुलाया है ताकि वो उनके देश को भी रहने लायक बना सके। कहावत है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जाधव भी कुछ इसी विचारधारा से काम करते रहे। वे ज्यादा टीवी शो, अखबार की सुर्खियां या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल नहीं किए गए, लेकिन फिर भी उन्हें साल 2015 में भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जाधव ने अपने जीवन के 40 साल इन जंगलों को दे दिए। उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के एक द्वीपीय इलाके अरुणा सपोरी में अकेले दम पर 1360 एकड़ में फैला जंगल खड़ा कर दिया और उनको इसी कारनामे के कारण वे देश में सम्मानित भी किए गए। उनके बनाए जंगल में आज हजारों की संख्या में जानवर और पक्षी रहते हैं। जाधव पायेंग ने 1978 में अपने इस काम की शुरुआत की थी, तब वे केवल 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। उनका परिवार पहले ब्रह्मपुत्र नदी के द्वीपीय इलाके अरुणा सपोरी में रहता था। नदी का किनारा पेड़ पौधों से हरा भरा रहना चाहिए, पर वहां सब बंजर हो रहा था। इसके बाद जाधव ने ब्रह्मपुत्र नदी के द्वीपीय इलाके अरुणा सपोरी में वृक्षारोपण करना शुरू किया और ये काम आज तक जारी है। खास बात यह है कि जाधव ने इस काम में किसी की मदद नहीं ली, वे बस पौधे लाते और लगाते गए। कई बार बारिश और नदी के पानी ने नन्हे पौधों को बर्बाद कर दिया, फिर भी कोशिश जारी रही। आज जाधव 50 साल के हो चुके हैं और अब तक 1300 एकड़ से भी ज्यादा क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर नदी के किनारे पूरा जंगल बसा चुके हैं। उनका बनाया जंगल 5 रॉयल बंगाल टाइगर, 100 से भी ज्यादा हिरणों, भालू, गिद्धों और कई प्रजाति के पक्षियों का घर है। साल 2015 तक जाधव के इस कारनामे के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। वजह यह भी थी कि जाधव ने कभी अपने काम का प्रचार नहीं किया और ना ही किसी एनजीओ या सरकारी फंड का इंतजार किया। वो कहते हैं कि मुझे जो पौधा जहां लगाने लायक मिलता मैं लगा देता। पौधों को लगाकर उन्हें यूं ही नहीं छोड़ा बल्कि पानी और खाद देता गया। बस शुरुआत में मेहनत ज्यादा लगी, इसके बाद जब जंगल तैयार हो गया तो पौधे खुद अपना घर बनाने लगे और जानवर पक्षी खुद यहाँ आने लगे। जाधव पायेंग को देश की प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने साल 2012 में सम्मानित किया, जिसके बाद पहली बार केंद्र सरकार ने जाधव को जाना और उनके इस अभूतपूर्व काम के लिए साल 2015 में पद्मश्री पुरस्कार देकर दुनिया को यह बताया कि हमारे पास प्रकृति को बचाने वाला सबसे खास खजाना है। इसी बीच नॉर्थ अमेरिका जाधव को अपने देश बुला रहा है। उनके पास मैक्सिको सरकार की ओर से ऑफर आया है जिसमें कहा गया है कि जाधव उनके देश में आकर रहें, लोगों को पौधारोपण के तरीके सुझाएं और जंगल पैदा करें। मैक्सिको में एक गैर सरकारी संगठन ने 10 साल की अवधि में 8 लाख हेक्टेयर भूमि में पेड़ लगाने के लिए जाधव के साथ करार किया है। इतना ही नहीं, उन्हें वहां की सरकार ने 10 साल का परमानेंट वीजा, आने जाने का किराया और रहने खाने की सुविधा तक दी है। यानी जाधव साल के कम से कम 3 महीने मैक्सिको में रहा करेंगे।
आने वाले 10 साल तक वे नॉर्थ अमेरिका को भी हरा भरा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जाधव सितंबर में अपने नए मिशन के लिए मैक्सिको की उड़ान भरेंगे, जो हमारे लिए गर्व की बात है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं।